भैया मैं जब भी कोई नई कोडिंग प्रॉब्लम को देखता हूँ तो मेरा दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो यार ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ है। मैं पर्सनली भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हो ताकि आपका दिमाग ब्लैंक रह जाए जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्रीम कंपनी होगी फांग या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो उनका टारगेट होगा, लेकिन आप उसको अचीव नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा कमी है। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यार उसको मैं रिजॉल्व करने के लिए आज आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिसमें आप मुझे पिंग कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलर स्टेटस डालूंगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। वहां पे मैं क्वेश्चंस वगैरह भी दूंगा आपको कि आप इनको कर सकते हो। मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में तो हमने वो सेम प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में भी सॉल्व करी हुई होगी। हम यहां उसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट तरीके से सॉल्व हो पाए। अब देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आप 1960s में हो, ठीक है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर लिखना है, प्यार भरा पत्र। अब आप क्या करोगे, आपने लव लेटर लिखा, आपने उसको चिट्ठी बनाई, आप पोस्ट ऑफिस में गए, वहां आपने अपनी गर्लफ्रेंड का एड्रेस डाला और उसको पोस्ट कर दिया। अगर आपको वो सेम चीज अब करनी हो तो आप क्या करोगे, आप लव लेटर लिखोगे, अपनी जो गर्लफ्रेंड होगा उसका ईमेल एड्रेस लिख के उसे सेंड कर दोगे। देखो दोनों में एड्रेस का खेल था कि एड्रेस से ही उस पर्टिकुलर इंसान को वो चीजें रिसीव होगी। तो देखो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारा जो टाइम है उसको बहुत ही कम कर दिया। रियल वर्ल्ड में वो 1-2-3 हफ्ते ले सकता था डिलीवर होने में, लेकिन यहाँ विद इन अ सेकंड वो डिलीवर हो गया विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस तरीके से हमें अपनी कोडिंग जर्नी भी स्टार्ट करनी है। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं उसको हमें रियल वर्ल्ड से रिलेट कराना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही फर्स्ट प्लेस में क्यों पड़े। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक एरे है जिसका साइज एन है। देखो जो नए बच्चे हैं वो घबराए ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस एरे का साइज एन है और एन ही मेरा ऑड है। वहां पे 5 एंट्री है, 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है वो 2-2 बार आए हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आया, जो आप देख सकते हैं 3 है। तो मुझे फाइंड करना है कि वो यूनिक एलिमेंट कौन सा है। अब आप इसको रियल वर्ल्ड में कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको 1 को सिक्का मान लेते, 2 को भी सिक्का मान लेते, 1 को भी सिक्का मान लेते, 2 को भी और 3 को भी। तो आप क्या करते हैं, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, फिर आपको पता चल जाता कि अच्छा ये 3 वाला सिक्का है जो एक ही बार आया। अब सेम इसको मैंने कोडिंग में कैसे सॉल्व किया, अब जो मेरा एरे है मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट मतलब उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने उसे असेंडिंग ऑर्डर में किया तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये 3 वाला वो एलिमेंट था। अब यहाँ पे मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज करूंगा उस पे वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ, कौन सा, बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट का क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर उसको हर ऑप्टिमाइज करूं तो मैं उसमें मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट वगैरह लगा सकता हूँ जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। तो इस तरीके से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो भैया क्या n log n ही इसकी आंसर है? नहीं। अगर आप इसको बारे में और सोचोगे, और डिटेल करोगे, और रिसर्च करोगे, देखो जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था तो मैं मैक्सिमम n log n तक का ही आंसर मुझे मिल पाया था क्योंकि उस टाइम तक मैंने सिर्फ मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट वगैरह ही पढ़े थे। लेकिन जब आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक्सोर ऑपरेशन होता है कुछ, ठीक है। एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है भैया, हमने देखा है 1-1 का एक्सोर करेगा तो क्या आता है, 0 आता है। 0-1 का करोगे तो 1 आएगा, 1-0 का करोगे तो 1 आएगा, 0-0 का करोगे तो 0 आएगा। तो सेम चीज हम यहां पर करेंगे, जब दो सेम सिक्कों का हम एक्सोर करते हैं तो वो हमेशा हमें 0 देगा। इस तरीके से जब हम पूरे जो हमारे एरे है उसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो लास्ट में जो हमें बच के आएगा वो आएगा 3। इस तरीके से हमने इसे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सॉल्व कर दिया। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रोग्रामिंग में नए होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली। तो यार वो चीजें आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। बस इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि जो भी क्वेश्चन आपको आए आप उसे रियल वर्ल्ड से रिलेट कराना शुरू करो। आपको एटलीस्ट वर्स्ट केस वाला आंसर तो मिल ही जाएगा, उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करके एक परफेक्ट आंसर भी निकाल दो। सेकंड चीज जो मैं आपको बोलता हूँ, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना सीखो कि आप सबसे पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं आराम से लेट के ना पढ़ूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेट के आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक को पॉपकॉर्न खाते हुए, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप मैं हम बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, हमें पता है यार कोहली ऑफ साइड वाली बॉल में आउट हो जाता है, रेजना हुक मारते हुए आउट हो जाता है, तो हमें पता तो है। लेकिन जब हम खुद ग्राउंड में जाते हैं अगर हम सेम शॉट ट्राई मारे तो हम नहीं मार पाते। क्यों नहीं मार पाते, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी उन चीजों की। तो जब तक हम उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये हमें से याद रखना, जो आप भी आप वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हो वो सिर्फ 10% है, 90% आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़े उसे डिटेल में पढ़े,
उसको एनालाइज करेगी, अच्छा इस तरीके से इसको पढ़ाया गया, इस तरीके से इसका रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरीके से मैं इसको अपने कोड के जरिए सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरीके से मुझे चीजों को पढ़ना है। और मैं अगर आपको बताऊं कि डीएसए सिर्फ दो चीजों का खेल है इसमें टोटल, अगर आप इन दो चीजों का इस्तेमाल सही से करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जितनी ज्यादा कम हो उतना ऑप्टिमाइज आपका कोड होगा, ठीक है। अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रख देते हैं तो पूरा डीएसए इसी पे डिपेंड है, सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है पूरे डीएसए में। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, लेकिन यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट भी है डीएसए का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप बोलिए भैया ये चीजें होती क्या, तो मैं चाहता हूँ आप इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करें ताकि आपको इसका आंसर मिल पाए। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट लर्न एनी कॉन्सेप्ट रैंडमली। कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को रैंडमली पढ़ना बंद करो। अगर आप चीजों को रैंडमली पढ़ोगे तो आपको वो तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। आप में से सीधा कोई बच्चा सीधा रिकर्सन वाले टॉपिक में कूद गया, उसे पता नहीं है एरे क्या है, तो किस तरीके से रिकर्सन को समझ पाएगा, वहां पे एरे का कहीं ना कहीं यूज होगा। जो भी टॉपिक पढ़ो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, या जिसने भी वो टॉपिक्स बनाए उसने भी उन चीजों को लिंक करते हुए आगे बढ़ाया। ऐसा क्यों? जैसे मान लिया हमने एरे पढ़ा, तो एरे की कुछ लिमिटेशन नहीं होंगी, हम लिंक लिस्ट पे गए, लिंक लिस्ट की कुछ लिमिटेशन होगी, हम स्टैक पे गए, स्टैक की कुछ लिमिटेशन होगी, इसलिए हम क्यू पे गए, या फिर इन सब की लिमिटेशन है तो हमको किसको किसकी जगह यूज करना है, वो हम कब सीखेंगे, प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। तो मान लो आप एरे का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो यार उसमें मुझे कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन इनफ होंगे। क्वेश्चन का लेवल होता है इजी, मीडियम और हार्ड। तो स्टार्ट मुझे इजी से करना है। इजी से क्यों करना है? क्योंकि यार जो इजी क्वेश्चन होंगे ना वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेंगे। मुझे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मुझसे क्वेश्चन बनेंगे, तभी मुझे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन मैं तब तक करूंगा जब तक मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस टॉपिक को मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मीडियम में जंप करूंगा, मीडियम के बाद हार्ड पे। तो इसका परसेंटेज कितना कितना होना चाहिए? यार जो मैं फॉलो करता था 30% के अराउंड मैं इजी सॉल्व करता था, 50% के अराउंड मैं मीडियम लेवल के, और 20% के अराउंड मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के दौरान, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। चौथा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेक योर टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल ही नहीं बनाते हो, आपको पता नहीं है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। अगर आप अपने टाइम का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, तो शायद ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यार आपको दिन का एक घंटा देना है रोज कि इस टाइम पे बैठ के, इस पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के मैं कोडिंग करूंगा। वो टाइम कब देना है? आप बोलोगे भैया मैं कभी भी दे सकता हूँ। नहीं, आपको सुबह का ही देना है। मैं सुबह ही क्यों बोल रहा हूँ? तो क्या सुबह हमारे पास डिस्टर्बेंस नहीं रहती है, पूरा माहौल शांत रहता है, वो मेरे लिए पूरा एक फोकस वाला टाइम रहेगा जहाँ पे मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो खैर अगर आप वो चीजें सुबह कर लोगे तो आपको दिन भर गिल्ट नहीं होगा। मान लो आपको पढ़ाई करनी है आज, आपने सुबह भी नहीं की, दिन में भी नहीं करी, तो आपको दिन भर गिल्ट रहता है यार काश मैं पढ़ लेता। लेकिन अगर वही क्लास आप सुबह सुबह कंप्लीट कर देते हो, फिर आपको गिल्टी रहेगा, फिर आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। आपको ये नहीं रहेगा यार मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। तो सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम मैक्सिमम लोग सोए रहते हैं। आप वहां पे जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, कई आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह आपको पिंग नहीं आएंगे, तो आप फुल फोकस के साथ उस एक घंटे में काम अच्छे से कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो मेरा है वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ, खुद को रिवॉर्ड दो। अभी आपके पास एक हफ्ते का चैलेंज है, ठीक है, वन वीक तक आप ये चैलेंज फॉलो करोगे। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हो तो आपको खुद को कुछ रिवॉर्ड देना है। मान लो आपको कुछ भी पसंद है, आपको कुछ खाना पसंद है, आपको बिरयानी पसंद है, या फिर आइसक्रीम पसंद है, या फिर किसी से मिलना पसंद है, कुछ भी पसंद है, अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर दे हो फिर जाके आप वो करोगे, ताकि आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आए कि यार मैंने ये चीजें कर ली इसलिए मुझे अचीवर की फीलिंग आ रही है, तो तब आपको उसमें और ज्यादा मजा भी आएगा। तो यही सारी चीजें अगर आप अच्छे से ध्यान दे तो अपनी कोडिंग जर्नी के दौरान, तो आपके लॉजिक भी अच्छे से बिल्ड होंगे। मैंने अभी आपको बताया हर चीज को रियल वर्ल्ड से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोग्रेस क्रिएट एडिक्शन, ठीक है, अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है अच्छे से तो आपको एडिक्शन होगा। आप किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर कोड लिख रहे हो, वहां पे जब आपकी रेटिंग बढ़ेगी ना, आज आप 200,000 रैंक पे थे, आपने 4-5 क्वेश्चन करे आप 100,000 पे आ गए, फिर आपने 4-5 करे आप 50,000 पे आ गए, जैसे आपको देखेगा आप मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरी रैंकिंग बढ़ रही है, वो आपको एडिक्शन देगी। जैसे हम सेम पबजी वगैरह नहीं करते कि हम खेलते हैं तो हमारी रेटिंग बढ़ जाती है तो हमें और एडिक्शन हो जाता है, सेम कोडिंग जर्नी में हो जाता है, पर उसे स्टार्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप स्टार्ट अच्छे से कर देते हैं जर्नी को, फिर वो आपको एडिक्शन बन जाएगा। आप रैंक पे फोकस करो। मैं खुद करता था जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में था, और वहां पे मैं गीक्स फॉर गीक्स में रैंक 1 में आ गया था आईआईटी गुवाहाटी में, जो मेरे अल्टीमेट मोटिवेशन बन गया था, ठीक है। तो आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, रैंक बिल्कुल फोकस करो, ठीक है, जब तक हमें वो अचीवमेंट मिलती रहती है। अगर आप इन कोडिंग प्लेटफॉर्म में कोडिंग करते जाओगे ना, आपको उनकी हुडीज टी शर्ट वगैरह मिलती रहती है अगर आप अच्छे से इनको करते रहोगे। और एक बात और याद रखना कि वन गुड जॉब कैन चेंज द फॉर्च्यून ऑफ होल फैमिली। आपकी एक अच्छी जॉब आपके पूरे खानदान की किस्मत ही बदल देगी। ये मैंने खुद होते हुए देखा है। जो आपके आसपास के लोग होंगे वो आपसे मोटिवेटेड होंगे, वो बोलेंगे कि हाँ मुझे इस भैया जैसा बनना है। आप जब अपने छोटे में रहोगे, आपका भी कुछ रहा होगा कि यार मुझे इस भैया जैसा बनना है या इस दीदी जैसा बनना है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा पैकेज मिल गया, तो आपका जो भाग्य है वो पूरे तरीके से बदल सकता है, आपकी फैमिली का भी। तो यार पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये रियलिटी है। जो कहता नहीं करता है उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करना। और जो भी बच्चे अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, डोंट कंपेयर योर फर्स्ट डे विद समवन 100 डे। अपने फर्स्ट डे को किसी के 100वें दिन से कंपेयर नहीं करना। आप अपनी कोडिंग जर्नी आज स्टार्ट करो, यानी कि मैं सीधा 100वें वाले से कंपेयर कर रहा हूँ जो 100 दिन से कोडिंग कर रहा है। डेफिनेटली इसकी कोडिंग आपसे अच्छी होगी, लेकिन
आप ओवर द टाइम उस इंसान को भी बीट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो। कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको मैंने 7 डेज का चैलेंज दिया है, आपको हर रोज 1 घंटे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए मैंने नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, वहां जाके मुझे पिंग करो, वहां मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा कि आप अपनी जो जर्नी है उसको स्मूथ वे में फिनिश कर पाओ। तो मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप या फिर तो कमेंट सेक्शन में पूछो या सीधा व्हाट्सएप में पूछ लेना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.